नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। कंपेयर करते हैं थार के बेस मॉडल को टॉप मॉडल के साथ। एक्स के नाम से रियर व्हील ड्राइव में आपका बेस मॉडल आता है, एलएक्स के नाम से आपका टॉप मॉडल आता है। इन दोनों में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क है। 1.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है टॉप मॉडल में, या बेस मॉडल लेना ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा या वैल्यू फॉर मनी रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी मदद मिलेगी आपको। अब सबसे पहले जो चीज़ कॉमन है दोनों में, वो मिलता है आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 117 bhp पावर बनाता है और 300 न्यूटन मीटर की आपकी टॉर्क रहती है। ग्राउंड क्लीयरेंस दोनों में सेम रहेगी 226 mm की। फ्यूल टैंक 57 लीटर का दोनों में कॉमन रहेगा आपका। अब सबसे पहले लुक की अगर बात करें, फ्रंट से देखते ही आपको अगर पहचानना है तो फोगलाइट मिलते हैं आपके टॉप मॉडल में, जो कि बेस मॉडल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हालांकि हेडलैम्प का सेटअप एक्जैक्टली सेम है, इंडिकेटर का सेटअप भी एक्जैक्टली सेम है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग, इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है पोजिशन लाइट के तौर पे, लेकिन टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको प्रॉपर DRL मिलेगी। आप देखिए ये रही, तो ये चीज़ थोड़ा सा एक प्रीमियम फैक्टर रहता है इस चीज़ के साथ। बाकी ग्रिल वगैरह सेम टू सेम है, सेम स्लॉट्स वगैरह है, सेम महिंद्रा की बैजिंग है, काफ़ी चंकी सा जो बम्फर एक्जैक्टली सेम रहने वाला है, सेम आपका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल रहने वाले हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। सेम रगेडनेस जो मेंटेन है, थार की पहचान है, ये आप देख रहे हैं ये चीज़ें, सेम टू सेम रिवर्स वगैरह आपकी कॉमन है। दोनों में फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलते हैं आपको, देखिए ये एक्सटेंडेड व्हील आर्च पे बोल सकते हैं इसको, फ्रंट फेंडर ना बोल के। अब आते हैं दूसरे फर्क की तरफ, यहाँ पर आपको 16 इंच के स्टील मिलते हैं। हालांकि देखने में आपको कहीं से लगेगा नहीं 16 इंच के ही है, देखने की हालत हो चुकी है, पूरा बड़ा ही लगता है। देखिए दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊँ आपको तो टायर में ज़्यादा कोई फर्क देखने में मिलेगा नहीं। फर्क कहाँ है, प्रोफाइल में 245/75% थिकनेस के साथ आपके R16 है, और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल क्या है 255/65R18, 18 इंच का फर्क है दोस्तों, वो इंच का फर्क हो जाता है। यहाँ रबर की मोटाई आपकी ज्यादा है बेस मॉडल में, जो कि टॉप मॉडल में आपका अलॉय का साइज बड़ा, रबर की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अलॉय का लुक एक अलग से ही निखर के आता है। मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ आपको, दूर से आइडिया लग जाएगा कि कैसा लुक रहता है स्टीलियम का। ये ऐसे आपके स्टीलियम मिलते हैं, देख लीजिए। इसमें फायदा क्या है, अपनी पसंद के अलॉय व्हील डलवा सकते हैं बाहर से, जो 1-1.5 लाख रुपया बचा रहे ना, क्योंकि कई बारे साथी ऐसे हैं जो बाद में अलॉय व्हील डलवाते हैं अपनी पसंद के, चाहे वो टॉप मॉडल क्यों ना ले लें। RWD की बैजिंग है रियर व्हील ड्राइव की। अब टॉप मॉडल में जो लोग ले जाते हैं अलॉय व्हील आते हैं, उसका एक बार लुक और दिखा देता हूँ आपको, आइडिया लग जाएगा कंपेयर करने में। ये देखिए इसमें मल्टी स्पोक है, तो ये भी प्रीमियम दोस्तों, अगर ना चेंज कराएं तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, कंपनी काफ़ी सोच के चीज़ें देती है। दोनों में आपको ऑल टेरेन टायर मिलते हैं। अब अगले फर्क की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ टॉप मॉडल में आपको फ्रंट फेंडर के ऊपर माउंटेड क्या मिलता है, एंटीना मिलता है, वैसी कोई भी चीज़ आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी, एक फ़र्क है देख लीजिए। यहाँ पर आपको बाद में लगवाने के लिए जगह जरूर दे रखी है दोस्तों, थोड़ा सा ये अजीब सा फील होता है वैसे। वाइपर वगैरह एग्जैक्टली सेम है, सेम ORVM है थार की बैजिंग के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब सेम डोर ओपनिंग हैंडल वगैरह आपके। फ़र्क पर बात करते हैं, फ़र्क ये है यहाँ पर जो साइज टैप दी गई है वो बार की फॉर्म में दी गई है, देखिए सिलेंड्रिकल बार्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पूरा बोर्ड दिया गया है फ्लैट, थोड़ा सा मार्केट फील कराते हैं चीज़ें, साइड बाय साइड देख लीजिए, तो ये चीज़ जरूर रहेगी। इसमें थोड़ा सा पैर आपको रखने में समझदारी का प्रयोग करना पड़ेगा, ना बीच में पैर जा सकता है आपका। दोनों में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, मैं अभी खोल के दिखा भी दूँगा आपको। रियर व्हील ड्राइव वगैरह की बैजिंग एक्जैक्टली सेम है, पहले एक बार पीछे का लुक दिखा दो साइड बाय साइड आपको, देख लीजिए पीछे का लुक जो है, टेल लाइट वगैरह एक्जैक्टली सेम है आपकी, वर्टिकल पोजीशन में दी गई है, रेक्टेंगुलर शेप है इनकी थार की बैजिंग के साथ। आपका पीछे बूट के ऊपर सेम स्पेयर व्हील को माउंट किया गया है, अलॉय के साथ अलॉय मिलेगा आपको, स्टीलियम के साथ स्टीलियम मिलेगा। दोनों में डिफोगर आपका कॉमन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, पीछे कैमरा दोनों में नहीं मिलता आपको, नीचे बम्फर पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, देख लीजिए सेम चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। अभी आपको फ्यूल टैंक और दिखा देता हूँ मैं, ये चाबी से ओपन करना पड़ेगा आपका फ्यूल टैंक, ये चीज़ जरूर है देख लीजिए, ये आपको एड ब्लू के लिए है इधर, इधर आपको डीजल भरवाने के लिए। अब आपका बूट, पीछे वाली सीटें अपनी जगह पे होंगी, तो छोटा सा बूट मिलता है बैग वगैरह रखने के लिए आपका, लेकिन पीछे यदि बंदे नहीं बैठे तो आप फोल्ड कर सकते हैं आसानी से, ये चीज़ जरूर रहेगी। ये डबल पार्ट ओपन होता है आपका बूट, देख लीजिए इस तरीके से हाइड्रोलिक्स वगैरह मिलते हैं इसमें, पहले ऊपर वाला बंद करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें ना तो ग्लास आपका टूट जाएगा। ये आपका टॉप मॉडल है, तो इसमें कोई फर्क वगैरह नहीं दिया गया, एग्जैक्टली सेम चीजें मिलती हैं आपको। अब आपको अंदर इधर लेके चलते हैं गाड़ी के, सबसे पहले बेस मॉडल का इंटीरियर,
तो डोर वगैरह पे बोटल होल्डर मिलता है, अच्छी बात है। बाकी पावर विंडो कंट्रोल वगैरह यहाँ नहीं दिए गए। थार की बेजिंग है ये, आपके लीवर वगैरह डोर ओपन करने के लिए, इसके माध्यम से ये होल्ड होता है आपका रगेडनेस देने के लिए। यहाँ स्पीकर वगैरह लिए कटआउट दे रखा है लेकिन स्पीकर नहीं मिलता है। थार वगैरह की महिंद्रा बेजिंग है। प्लेट के साथ आपको टर्बाइन शेप के क्या मिलते हैं, एसी वेंट्स, यहाँ ग्रैब हैंडल मिलता है, एक छोटा सा लोकेबल आपको ग्लो बॉक्स मिलता है। एक चीज सबसे जबरदस्त दिखाई देगी आपको, क्या लगेगी दोस्तों, यहाँ फुल फ्लैश लेदर की सीटें दे रखी हैं। हालांकि ये छेद परफोरेटेड नहीं है, छेद दिखाने के लिए डिजाइन है, लेकिन ये चीज मुझे जबरदस्त दिखाई दी। ये ज्यादा बेहतर फील होते हैं टॉप मॉडल से। वाह भाई वाह, कंपनी का भी सोचने का नजरिया अपना ही रहता है। सेम आपका पीछे जाने के लिए यही दीवार है, सेम स्पेस है दोस्तों। आईसो फिक्स चाइल्ड माउंट्स मिलते हैं पीछे आपको दोनों ही सीटों के लिए, ये एक अच्छी बात है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों बंदों के लिए। ये थोड़ी सी वायरिंग वगैरह एक्सपोज दिखाई देती है, ये थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए थी। ये बार वगैरह आप देख रहे हैं, ये एज इट इज मेंटेन है। ये स्पेस वगैरह सेम टू सेम वैसा ही मिलता है आपको, बिल्कुल देख लीजिए। यहाँ पर LED लाइट जरूर मिलती है आपको, ये चीज जरूर है बेस मॉडल होने के बावजूद भी। लेकिन ये चीज यहाँ जैसे टॉप मॉडल में स्पीकर वगैरह मिलते हैं दिखाऊंगा आपको, वो चीज यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। सिंपल हार्ड टॉप है, ये चीज जरूर है। अब इस चीज को कंपेयर करें किसके साथ, टॉप मॉडल के साथ, कि टॉप मॉडल में एक्स्ट्रा क्या मिलता है यहाँ पर आपको। तो सेम डोर वगैरह, सेम कलर की थीम, कोई फर्क नहीं बिल्कुल भी। सेम आपको ये मिलता है ग्लो बॉक्स, सेम ग्रैब हैंडल वगैरह मिलते हैं, दो एयरबैग वगैरह सेम मिलते हैं आपको। अब ये बोल रहा था मैं, इसमें बीच में फैब्रिक दिया गया दोस्तों, वहां पे यहाँ पे लेदर का पार्ट दिया गया था। मैं प्रीमनेस की अगर बात करें तो लेदर ज्यादा बेहतर है, अगर कंफर्ट की बात करें तो फैब्रिक ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप साइड में स्पोर्ट देखिए, थाई के लिए भी और बैक के लिए भी मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको। अब बात करते हैं स्पेस वगैरह की, देखिए सेम आइसो फिक्स साइड माउंट्स वगैरह पीछे मिल रहे हैं आपको, जैसे फ्रंट मिल रहे थे, सेम बेस वगैरह है दोस्तों। एक चीज फर्क देखने मिलेगी, वहां पर ये जो बार एक्सपोज थी यहाँ पर इनको कवर किया गया है, थोड़ा सा प्रिंट दिया गया है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रैब हैंडल वगैरह और ये दिख रहे हैं आपको ये बार इधर, तो वहां पर एक्सपोज ब्लैकआउट दिखा देते हैं सिंपल पेंटेड, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी बेटर की गई है। बाकी चीजें सेम टू सेम है। अब अगला फर्क क्या है, ये देखिए स्पीकर और ट्विटर, वो वहां नहीं मिलते, वहां सिर्फ आपको ये सिर्फ लाइट मिलती है, ये वाला पोर्शन वहां मिसिंग रहेगा आपका। और साउंड आउटपुट वगैरह म्यूजिक सिस्टम का ठीक ठाक है दोस्तों, सेगमेंट के हिसाब से कोई कमी नहीं है। यहाँ वैनिटी मेरा मिलता है टॉप मॉडल पे, सनवाइजर पे, अभी मैं दिखाऊंगा कि वहां मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी ड्राइवर सीट पे बैठ के जानते हैं और क्या फर्क है। एक और फर्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो आरवीएम है हाथ से ही फोल्ड अन फोल्ड होने की सेटिंग इस प्रकार से आपको करनी होगी। वहां पर फोल्ड अन फोल्ड आपको हाथ से करने हैं, लेकिन अंदर की जो सेटिंग आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। तो अभी तक तो दोस्तों मुझे पक्का पक्का लगता है 1.5 लाख जो कंपनी एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है LX के लिए, X के ऊपर, वो पूरी तरीके से वर्थ है दोस्तों। बेस मॉडल से आपको ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है, ये एक अच्छी चीज है। पेडलों की स्पेसिंग वगैरह डिसेंट है, डेड पेडल मिसिंग रहेगा यहाँ पर, ये चीज जरूर खिलेगी। यहाँ से हुड ओपन करने के लिए लीवर मिलता है आपको, ये इधर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, देखिए इस पर बना भी रखी है गाड़ी आपकी। आइडल स्टार्ट का बटन है ये आपके, MID को कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन वगैरह दिए गए हैं, हेडलाइट को लेवल करने के लिए। हाँ एक चीज़ और पसंद आएगी आपको, इसमें बेस मॉडल होने के बावजूद भी रिमोट वाली चाबी मिलती है आपको, लॉक अनलॉक, और बीच में स्टार का बटन ये है बजिंग के लिए, कि गाड़ी को पहचानने में आपको सुविधा जाए, गाड़ी बीप करने लग जाए, तो ये चीज़ जरूर रहेगी। दूसरी आपकी डमी है, ये आपके इधर किसके कंट्रोल है, हेडलाइट के, और उधर आपके वाइपर वॉशर के। अंदर बैठ के बाकी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा क्या फील आता है बेस मॉडल आपका। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि आपको जो फिट एंड फिनिश है वो दोनों में बराबर मिलेगी, चाहे बेस मॉडल ले लीजिए चाहे टॉप मॉडल ले लीजिए। देखिए पूरा स्वैप लेते हैं, पूरा थार वगैरह बेजिंग लिखी आती है, कलर्ड MID है दोस्तों, बीच में जो MID है माफ कीजिए वो वाइट आपकी, और तो इधर फोल्डर वगैरह चेंज करेंगे आप देख लीजिए, ये बटन है ना इधर, इसको दबाएंगे इधर इस वाले को, तो ऊपर फोल्डर वगैरह में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल स्पीड वगैरह ये चीज़ें प्ले राउंड आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है स्टेयरिंग व्हील पे बेस मॉडल में आपको, और स्टेयरिंग व्हील आपका टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। इधर आपके वाइपर वॉशर कंट्रोल है, खाली ये सब यहाँ पर थार की बेजिंग के साथ म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। इधर AC है, ये आपके कंट्रोल है AC के ऊपर वेंट्स थे, ये हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP ऑफ करने के लिए, ये चीज़ें सब मिलेंगे आपको। तो बेसिक सेफ्टी फीचर सारे मिल रहे हैं दोस्तों, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, 6 स्पीड का बेहतरीन स्मूथ गियर बॉक्स मिलता है आपको, इधर ऐसे लिफ्ट करके ऐसे आपका रिवर्स लगता है दोस्तों,
आगे वाली दोनों विंडो पावर की रहेंगी आपकी, यहाँ कप होल्डर वगैरह मिल रहा है, तो ये चीज है। और इधर आपका टिकट होल्डर मिलता है, मैनुअल आईआरबी में रहेगा आपका। इधर मैंने बता दिया है कि वैनिटी मिरर, हाँ ये बेस मॉडल है दोस्तों, तो वैनिटी मिरर यहाँ पर भी आपको मिलता है जो कि टॉप मॉडल में मिल रहा था। तो ये चीजें सेम टू सेम है, अंदर म्यूजिक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल वगैरह, स्टेयरिंग पे कंट्रोल वगैरह, इन चीजों का ज्यादा बड़ा फर्क है स्पीकर वगैरह का दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो 1.5 लाख लगा के टॉप मॉडल लेना ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी फिट चीज में आपकी वारंटी वगैरह लेफ्ट होने खत्म नहीं रहता और सभी चीजें मिल जाती हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है। बाकी चीजें कंपेयर करके भी दिखाता हूँ आपको कि टॉप मॉडल में और क्या मिल रहा है। देखिए ये टॉप मॉडल, यहाँ पर आपको ओआरबीएम जो है देखिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। बाकी सीट्स वगैरह हाइट के लिए एडजस्टेबल यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, सेम टू सेम है। सेम बटन वगैरह दिए हैं यहाँ पर, कोई फर्क नहीं है। सेम आपके क्या मिलते हैं, ये चीजें मिल रही हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, की फॉब वगैरह एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। लॉक अनलॉक और स्टार का बटन है, दूसरी डमी की है आपकी, तो की फॉब एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये जो एसी के वेंट्स वगैरह है ये एग्जैक्टली सेम है, कि ये क्रोम वगैरह फिनिशिंग थोड़ी एक्स्ट्रा दी गई है डायमंड नर्लिंग के साथ, थोड़ा सा प्रीमियम टच देने के लिए। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठने के बाद सबसे पहले मैं इसको ब्राइट अप कर लेता हूँ केबिन को, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सेम स्वैप लेता है ये थार की बैजिंग के साथ, वहाँ व्हाइट कलर की बैकलाइट मिल रही थी दोस्तों, यहाँ पे बीच में जो MID है आपका कैसा मिलता है, कलर्ड मिलता है। तो ये फर्क है एक, ये छोटी छोटी चीजें देखिए, ये कलर मिल रहा है, वहां पे सिंपल व्हाइट कलर की बैकलाइट के साथ मिल रहा था। ये चीजें आप प्रॉपर जब देखते हैं ना ध्यान से चीजों को, तभी समझ में आती हैं चीजें आपको, तो ये चीज जरूर है। बाकी जानकारी वगैरह सेम, हाँ ये जो आप देख रहे हैं एंगल वगैरह किस एंगल पे है, ये चीज एक्स्ट्रा मिल रही है यहाँ पर, ये चीज एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। देखिए ये जो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीजें मिलती हैं आपको। हालांकि रिवर्स गियर तो यहाँ पर भी नहीं, कैमरा नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ ये जो जानकारी है गाड़ी के बारे में, टॉर्क वगैरह या भी इस पर पावर वगैरह, तो ये चीजें वहां नहीं मिलती हैं। ग्राफिक्स आपको ये काफी अप मार्केट फील कराती हैं चीजें। बाकी सभी चीजें सेम टू सेम है, AC के वेंट्स वगैरह, कंट्रोल वगैरह, ये बटन वगैरह, हिल डिसेंट के, ESP के, एयरबैग्स वगैरह की जानकारी के, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाने के लिए यहाँ पर आपको USB-A और ऑक्स का भी बटन अलग से मिलता है, साथ में 12 वोल्ट सॉकेट, तो दोनों में कॉमन रहेगा आपका। सेम ये चीजें यहाँ पर मिल रही हैं आपको, कोई फर्क नहीं है। हल्की फुल्की क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया गया टॉप मॉडल में, बाकी पावर विंडो कंट्रोल एग्जैक्टली सेम आपके। ये थोड़ी थोड़ी चीजें ना दोस्तों सच मायने फर्क पैदा करते हैं। यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील आपका टिल्ट के लिए है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो जो टॉप मॉडल है ज्यादा वर्थ है अपने हिसाब से, जो एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करता है उससे ज्यादा फीचर आपको मिल रहे हैं, तो वैल्यू ज्यादा बेहतर क्रिएट करता है। यदि फिर भी आपको पसंद है कि बेस मॉडल लेके आप एलॉय व्हील अपने पसंद के डलवा लेंगे, वो 1.5 लाख को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर रहा दोस्तों। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।